हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो गाइस, आज है तारीख 14 तारीख, और आज शाम को हम जा रहे हैं पवित्र घाट रानीबाग में। तो वहाँ पर क्या है कि हमारे कतृवंशों की जो जागर लगती है, हम उसको देखेंगे। और वहाँ पर जिया रानी का मैं आपको घाघरा दिखाऊंगा जो ओरिजिनल है। तो जिया रानी वहाँ से गुफा के माध्यम से हरिद्वार को गई थी। तो मैं आज सब पूरी कवरेज आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, राजवी ब्लॉग में, पूरा एंड तक देखिएगा। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम अभी रात के 8:30 बजे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से रानीबाग के लिए, पवित्र घाट रानीबाग चित्रेश्वर घाट पे। तो मैं आपको पूरा कवरेज दिखाऊंगा वहाँ पर, कैसे जागर लगती है, कैसे क्या होता है, कैसे जिया रानी के, मैं आपको घाघरा दिखाऊंगा। और मेरे साथ हैं हमारे गाँव के प्रधान पति श्री रघुनाथ बोरा जी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो प्रधान जी अपनी गाड़ी ला गए हैं, इसमें प्रधान जी गाड़ी में जा रहे हैं हम साथ में। हम दो ही लोग हैं, और आज जगह देख के आएंगे शाम को वापिस। तो पूरी कवरेज मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं पवित्र घाट रानीबाग में, और हम एंटर कर रहे हैं अंदर शिव घाट चित्रशिला घाट में, पवित्र घाट चित्रशिला घाट। दोस्तों देखिए, यह है प्रसिद्ध जिया रानी माँ का घाघरा। जय माता रक्षा करना। रात को विजिबिलिटी कम है इसलिए पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन पूरा ये लहंगे का कलर है इसमें माता का। यहाँ भीड़ देखिए, अंधेरा हो रहा। और ये रात्रि में स्नान करते हुए भक्त श्रद्धालुगण, पवित्र चित्रशिला घाट पर पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ देर बाद इस चित्रशिला घाट पर कतृवंशों की जागर का आरंभ होगा। तो हम लोग उसी की प्रतीक्षा में हैं। अभी हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएं और जागर। और गाइस देखिए, यहाँ पे देखो नदी के किनारे, ये गंगा मैया बोल दीजिए इसको, प्रसिद्ध पानी। यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं रात को इस ठंड में। और यहाँ से कुछ नज़ारा दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, कतृवंश के महाराज यहाँ पे आ चुके हैं।
और ये नदी बह रही है। पाल रहे हैं, ये बताइए यहाँ का महत्व क्या होता है, कतिर वंशज और क्या जिया रानी का क्या महत्व है बताओ। यहाँ जिया रानी जो नहारी थी, उन्हें अपना जो पुजगोड़ होता है घाघरा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर उन्हें सुहाने डाला। वो वहाँ से कहीं काठगोदाम से कोई पठान आ गए घोड़े लेकर के, वो जब घर को चल रहे थे, जब माता रानी नहा रही थी, उनका एक केश गिर गया नीचे, केश के घोड़े उलझ गए, केश बोल तो बाल ना बाल हाँ, बाल हाँ। तो उनने कहा ये कौन है, इसको पकड़ो, कोई औरत नहा रही है, इसके घोड़े बाल से हमारा घोड़ा उलझ गया है, हमारे जो जितने घोड़े हैं उलझ गए, पकड़ो इसको। तो वो जैसे नहा करके वो अपना घाघरा वहाँ डाल रही थी, उतने में वो लोग आ गए। वो कौन थे, मुगल वंश थे, मुगल वंश के पठान पठान। तो आज ये रात को देखा महारानी, अब वो जिया रानी ने कहा, उन्होंने कहा आप कहाँ भागो, उन्हें दृष्ट ऊपर जाकर के गुफा भी नहीं, वहाँ उसके अंदर घुस के वो ढूंढते रह गए। तो ये आज जागर का क्या महत्व है अगर आपका, यहाँ उस समय से कतरु की केर है, जड़ है यहाँ, कतरु की जड़ है, जड़ है यहाँ। अच्छा, माता रानी का ये यहाँ पर नहाने का स्नान है, माता रानी का घाघरा भी यहाँ पे, घाघरा भी है, उसमें फूल बने हैं पत्थर में। तो मतलब कतियोरिया वंशज यहाँ पे रक्षा करते हैं जिया रानी की। चलिए धन्यवाद इस वाला। हमारे महेश भंडारी जी, ग्राम प्रधान रानीबाग, और ये हमारे आप जानते होंगे रघुनाथ दुरा जी, ग्राम प्रधान सरड़ी। तो दो दोस्त मिल गए आपस में और हमें साइड कर दिया है, पर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। दोस्तों रात के बजे हैं 2 और हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।